सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खेत के क्षेत्रफल के बारे में कि किस प्रकार से हम किसी भी खेत का क्षेत्रफल बीघे में निकाल सकें और विश्व में निकाल सकें। तो इसके लिए मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा क्षेत्रफल के बारे में मालूम पड़ सके। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं किसी भी खेत के क्षेत्रफल को बिसवा या बीघा में निकालना सिखाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको हमेशा से प्रॉब्लम रहती है खेती बाड़ी की नपाई को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कोई भी उनके खेत को उल्टे सीधे तरीके से नाप कर कई बार कम खेत दे देता है। उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और जीवन भर उन्हें मालूम नहीं पड़ता है कि वो ज़्यादा खेत जोत रहे हैं या कम खेत जोत रहे हैं। तो ऐसे में मैं आज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूँ कि सही मायने में आपका सही बिसवा कैसे निकाला जाता है, सही बीघा कैसे निकाला जाता है, उसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बस थोड़ी सी ज़रूरत होगी कि आपको कहीं ना कहीं हल्की सी गणित की जो है नॉलेज होनी चाहिए, गुणा और भाग की नॉलेज होनी चाहिए बस इस कैलकुलेशन को समझने के लिए, और आपको बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। और ये कैलकुलेशन विद्यालय में बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, घर में हमारे जो किसान भाई हैं या घर में जो बच्चे आज के समय पे पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है जब उनके मम्मी पापा उनके घर में जब पूछते हैं कि बेटा ये बताने कितना बीघा अपना हो रहा है, तो कहते हैं पापा हमें नहीं मालूम, बाबा हमें नहीं मालूम। तो ऐसे में आप सभी बच्चे भी अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को भी उनकी खेत के इस कैलकुलेशन में उनको समझाने में मदद कर पाएंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं आज इसकी। हम तो समझते हैं थोड़ा सा, मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कोई खेत है आपका, और वो जो खेत है उसका जो साइज़ आप देख रहे हैं उससे हम एक एग्जांपल के माध्यम से पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपके खेत का कोई भी साइज़ होगा तो उसको आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो एक खेत है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 165 और 165 है। ये मानक है किसी भी खेत का बीघा और बिसवा निकालने का पक्का मानक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये खेत है हमारा 165 और 165, यानी कि चौड़ाई और लंबाई दोनों 165 और 165 है। तो हम किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं। तो जब हम 165 और 165 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 27,225 वर्ग फुट बनेगा। ये साइज़ सारा हमारा फुट में है, अधिकतर लोग फुट में ही नापते हैं, तो इसलिए मैं आपको फुट में समझा रहा हूँ। तो आपका जो प्योर बनेगा, एक पक्का बीघा जो बनेगा, वो पक्का बीघे का जो साइज़ होता है वो 27,225 वर्ग फुट होता है। ये हर किसी खेत के आप माप को निकालने का सबसे बड़ा मानक है। जो भी आपको एरिया निकालना है आप उसे हमेशा 27,225 से आप भाग करके आप अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप जानते हैं साथियों कि पक्का बीघा को बिसवा में कैसे चेंज करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, एक पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिसवा के बराबर होता है। जी हाँ, कई क्षेत्रों में, कई गांवों में क्या होता है कि पक्के बीघे की जगह कच्चे बीघा में भी इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो मैं आज आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक पक्के बीघे को कच्चे बीघे और कच्चे बिसवा में बदल सकते हैं। तो आपको बता रहा हूँ पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिसवा। तो ऐसे ही जो हमारा पक्का बिसवा निकाला जाएगा तो पक्का बिसवा का तरीका क्या है, जो आपका 27,225 वर्ग फुट आया है उसको आप जब 20 से भाग कर देते हैं तो आपका पक्का बिसवा निकल जाता है। तो 1361.25 वर्ग फुट ये आपका पक्का बिसवा निकल गया। अब हम आते हैं अपने खेत की कैलकुलेशन के लिए, उसको कैसे हम निकालेंगे। मान लो कोई खेत ऐसा है जिसकी भुजाएं समान नहीं है, जो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा में है। अब ऐसे में कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल मैंने बनाया हुआ है। पूर्व दिशा में 168 फुट है, पश्चिम दिशा में 71 फुट है, उत्तर दिशा में 150 फुट है और दक्षिण दिशा में 166 फुट है। अब हम इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आमने और सामने भुजा की जरूरत होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आमने सामने की भुजा यानी पूरब और पश्चिम की भुजा को हम जोड़ते हैं। तो 168 को 71 में आप जोड़ेंगे तो 239 हुआ। अब जो ये 239 आया आपका, इस 239 ये दोनों का मिलाकर हुआ। अब हमें निकालनी है इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर आप लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने के लिए 239 जो आया दोनों को जोड़कर उसको जब हम 2 से भाग करते हैं तो 119.5 फुट ये मान लो आपकी लंबाई बन गई।
अब ऐसे ही हम दूसरी साइड पर आते हैं, दूसरी भुजा के लिए आते हैं, तो देखेंगे उत्तर में 150 है और दक्षिण में 166 है। तो अब इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, तो 166 और 150 को जब जोड़ेंगे तो आपका 316 फुट बनेगा जी। और उसके बाद चौड़ाई हमें निकालनी ही है, लंबाई हमने निकाल ली है, तो जो आपका 316 आया उसको फिर से 200 भाग करो, जैसे ऊपर किया था हमने, तो 200 भाग करते ही आपका 158 फुट आ गया। तो यानी आपकी लंबाई चौड़ाई मान लो इस तरीके से बन गई, ठीक है। चाहे से आप लंबाई मान लो, चाहे से चौड़ाई मान लो, कुछ भी आप किसी को मान लो, वैसे लंबाई जो है बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, तो आप इसे लंबाई से चौड़ाई कह सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो आपका 119 और 158 आया, इन दोनों को गुणा कर दो। गुणा करने पे आपका आया 18,881 वर्ग फुट। जी हाँ, ये होता है हमारा वर्ग फुट में निकलता है। अब हम पक्का बीघा का निकाल रहे हैं कैलकुलेशन। पहले हम अपने खेत को पक्के बीघे में निकाल कर देखेंगे। तो पक्के बीघे में निकालने का तरीका है, 18,861 जो आपका निकल के आया, इसको हम किससे भाग करेंगे, 27,225, जो ऊपर हमने ऑलरेडी एक पक्की बीघे का क्षेत्रफल निकाल के बताया हुआ है, देख रहे ना आप सभी। हाँ, 27,225। तो ऐसे यहाँ पे मैंने किया, 18,861 जो आपका क्षेत्रफल निकला उसको 27,225 से जब भाग करेंगे तो आपको 0.69 यानी 0.69 बीघा, 0.69 बीघा आपका पक्का बन के निकल कर आया इस खेत का क्षेत्रफल। अब हम इसे पक्के बिस्वा को निकालेंगे। तो हमने ऊपर सीखा था कि एक पक्का बिस्वा जो होता है वो 1361.25 वर्ग फुट का होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमारा 18,881 आया इसको 1361.25 से जब भाग करेंगे तो आपका 13.87 बिस्वा बना। जी हाँ साथियों, ये 13.87 बिस्वा आपका पक्का बना। लेकिन कई जगह हम अब बताने जा रहे हैं आपको, कई जगह पे क्या है, कच्चा बीघा की बात होती है, तो हम कच्चे बीघे को भी थोड़ा आप समझ लेते हैं। ये तो रहा अब तक की कैलकुलेशन पक्की बीघा और पक्की बिस्वा के बारे में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कच्चा बीघा और कच्चा बिस्वा के बारे में, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो एक पक्का बिस्वा जो होता है उसमें 2.5 बिस्वा होता है कच्चा। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, एक पक्का बिस्वा में 2.5 बिस्वा होता है जो कच्चा होता है, जो बिल्कुल कच्चा बिस्वा माना जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो कच्चा बिस्वा निकल कर आया था वो आया था 13.87। ये रहा आपका कच्चा बिस्वा 13.87। तो जो भी निकल कर आया उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 34.67 बिस्वा। अब ये आपका कच्चा बिस्वा निकल के आया, ये आपका निकला कच्चा बिस्वा, ठीक है। अभी कच्चा बिस्वा आपका निकल कर आया, अब ये 34.67 बिस्वा निकल गया। अब इसको हम बदलेंगे कच्चा बीघा में। जी हाँ, कच्चा बीघा। तो जो कच्चा बीघा बनेगा आपका, उसको समझते हैं कैसे बनेगा। अब भाई 20 बिस्वा का एक बीघा होता है, तो यहाँ पर 34 में 20 बिस्वा का एक बीघा तो हो गया, और जो बचा अगला 10 बिस्वा यानी कि वो आधा बिस्वा हो, आधा हो गया आपका बीघा, तो एक और आधा यानी 1.5 बीघा हो गया। अब बचा जो 4.67, लगभग मान लो 5 के करीब, तो ये आपका आधे का भी आधा हो गया। तो इस तरीके से आपका ये बना 0.25 बीघा यानी कि लगभग 1.75 बीघा। तो इस तरीके से आपका ये 0.25 बीघा खेत हुआ कच्चा में। तो ये थी आपको कैलकुलेशन, और मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं और अच्छे तरीके से आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ कि इस समय खेती बाड़ी को लेकर बहुत सारे समस्याएं लोगों के साथ रहती हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी समस्या आपको अगर नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसे आप और किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरीके की मदद मिल सके। तो मेरा लक्ष्य है कि अपने किसान भाइयों के लिए इस तरह की वीडियो लगातार मैं लेता रहूं, ताकि उनके लिए इस तरह की मदद मिलती रहे। धन्यवाद।